जख्म देते हो, कहते हो सीते रहो, जान लेकर कहोगे के जीते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल्ला जान और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल टेक्निकल जान। आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपने जो स्टेटस जो है WhatsApp स्टेटस बनाना है, उसके लिए आपने सबसे पहले काइंड मास्टर को ओपन करना है। उसके बाद आपने जो है यहाँ पे रेशियो सेलेक्ट करना है 16:9 का, और इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने मीडिया ब्राउजर पर जाना है, और यहाँ पर जो है आपने इमेज असिस्ट पर जाना है। वहाँ पे आपने एक ब्लैक पिक्चर ले लेनी है, ब्लैक मतलब अगर आपकी वीडियो ले लेना है एक मिनट की, तो आपने इसको करना है और इसको जो है सेट कर लेना है। उसके बाद इसको सेलेक्ट करने के बाद जो है आपने जाना है कहाँ पे भी आपने जाना है, आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपने जाना है लेयर पे, और लेयर पे जाके जो है ना आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऊपर नजर आ रहा है मीडिया, मीडिया पे क्लिक करना है आपने। उसमें जो है आप फिर वो फोल्डर ढूंढेंगे जहाँ पे आपने वो पिक्चर रखी है जो आपने बैकग्राउंड में लगानी है, तो वो पिक्चर आपने सेलेक्ट कर लेनी है यहाँ पे। जैसे ये सिलेक्ट करने के बाद आपने स्प्लिट स्क्रीन पे जाना है और उसको जो है सेट कर लेना है, अपनी एडजस्ट कर लेना है अपनी ज़रूरत के मुताबिक, और फिर फिल्टर जो है वो चेंज कर लेना है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। फ़िल्टर में आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना आपने यहाँ पे इसको भी उसी बैकग्राउंड की पिक्चर के साथ सेट कर लेना है, जितनी ड्यूरेशन बैकग्राउंड की पिक्चर की उतनी इसकी भी ड्यूरेशन आप रख लेनी है। उसके बाद फिर आपने लेयर पर जाना है और स्टिकर पर जाना है, उसमें स्टिकर आपने सेलेक्ट करना है जो आपकी मर्ज़ी का है। मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है, इसकी भी ड्यूरेशन आपने पूरी कर लेनी है उस बैकग्राउंड के मुताबिक, और एक बार फिर आपने इसको प्ले करके देख लेना है कि क्या वो ठीक है। उसके बाद फिर आपने जो है यहाँ पे जो है ऑडियो लगानी है, वो सॉन्ग लगाना है जो आप लगाना चाहते हैं। यहाँ पे मेरे पास है जख्म, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आ गई है ये ऑडियो, इस ऑडियो के मुताबिक आपने जो है पूरा काम करना है। जितनी ऑडियो है उतनी आपने ड्यूरेशन सब चीज़ों की रखनी है। उसके बाद लेयर के जाना है, फिर आपने जो है कुछ लिखना है, जो गाना है वो आपने गाना लिखना है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जो गाना आप पहले सुन लेंगे उसको, जख्म देते हो कहते हो सीते रहो, ये आपने लिख लेना है। उसके बाद इसको जो है आपने सेट करना है, इसको जो है एडजस्ट कर लेना है अपनी सेटिंग के मुताबिक। उसकी जो फॉन्ट है वो चेंज कर लेना है, नूर नस्तलीक का जो फॉन्ट है वो आप मैंने चेंज कर लिया है। इसकी मज़ीद जो है आप उसको अट्रैक्शन बनाने के लिए इसकी सेटिंग कर सकते हैं, इस तरह से जिस तरह से आप देख रहे हैं ये मैं सेटिंग कर रहा हूँ। इसको आपने सेट करने के बाद जो है फिर इसको यहाँ पर रख लेना है, और ये मैं दोबारा इसको थोड़ा सेट कर लेता हूँ। इसमें जो स्पेस देना है ये स्पेस दे देते हैं, ये स्पेस हो गया जी। इसको फिर आपने जो है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट करना है। उसमें फिर आपने लगाना है एक दूसरा जो आपने ड्राइविंग पे जाना है, ये आपने सेट कर लेना है। देखिए जी, यहाँ पे क्लिक करना है, फिर ऊपर से कलर चेंज कर लेना है, और इसका जो है यहाँ पे इस तरह से देखिए जनाब ये बन चुका है। इसको आपने सेट कर लेना है अपनी इस जो है राइटिंग के मुताबिक, और बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। अगर राइटिंग को छोटा रखना चाहते हैं तो आप इसको छोटा कर सकते हैं। सो अब मैंने यहाँ पे ये सेट कर लिया, और इसको अब जो है उस ड्यूरेशन के मुताबिक मैं सेट कर रहा हूँ। और इसको हमने भी सेट करना है जहाँ पर गाना शुरू होता है ख़त्म होता है, वहाँ पर इसको हमने पहले एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद प्ले करके देखते हैं, और आपने प्ले करके देखना है कि यहाँ पर गाना ख़त्म हो रहा है, वहाँ पर जो हमने इसको यहाँ पर ट्रिम कर लेना है। उसके बाद फिर टेक्स्ट पे जाएंगे और फिर वहाँ पे लिखेंगे अगला फिक्रा जो है, जिस तरह के ये है कहते हो, और आगे जितना भी मतलब जिस तरह से आप गाना सुन लेंगे उस गाने के मुताबिक जो है आप इसको मतलब लिख लेंगे। सीते रहो, मैं गलत लिख रहा था यहाँ पे, सीते रहो इसके बाद आता है, और आपने इसको फिर इस तरह सेट कर लेना है। सेट करने के बाद यहाँ देखिए जनाब ये सेट हो गया है, और फिर इसको यहाँ पे आपने सुन लेना है एक बार। सुन लेने के बाद जहाँ पे ये सीते रहो ख़त्म होता है यहाँ पे आपने इसको ट्रिम कर लेना है। ये देखिए जनाब यहाँ पे मैंने देख लिया, यहाँ पे ट्रिम कर लिया है, इस तरह से आप ट्रिम कर सकते हैं। फिर आपने टेक्स्ट पे जाना है, अगला फिक्रा जो इसका है वो आपने लिखना है। अगला फिक्रा कौन सा है ये सुन लेता हूँ पहले। मैंने सुन लिया है, यहाँ पे आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी लेकिन मैंने सुन लिया है, और इसको फिर यहाँ से मैं एडिट करता हूँ, लिखता हूँ टेक्स्ट की जगह पर यहाँ पर जान लेकर कहते हो, इस तरह से मतलब ये आपने ये जान लेकर कहोगे, ये देखिए जनाब ये मैंने लिख लिया है। और इसको फिर आपने जो है उस तरह से सिलेक्ट करना है, सेट करना है, और फिर यहाँ पे जहाँ पे ख़त्म हो रहा है गाना वहाँ पे आपने इसको ट्रिम कर लेना है। सो ये देखिए ट्रिम कर लिया मैंने, उसके बाद फिर ये ट्रिम कर लेते हैं पहले इसको, ये जी के ये जनाब हो गया है। फिर आपने टेक्स्ट पे जाना है, और इसका आखिरी जो फिक्रा है वो आपने लिखना है, और ये कौन सा है कि जीते रहो,
ये पिक रहा है, आपने इसको भी सेलेक्ट करना है, आपने उसके मुताबिक एडजस्ट कर लेना है। और फिर उसके बाद जो है ये देखिए जनाब ये पूरा हो गया। अब इसको थोड़ा सा प्ले करके देखते हैं। लेकिन इसमें जो हमने जो है वो नहीं लगाए हैं इस पर जो इफ़ेक्ट होते हैं इन आउट वाले जो इफेक्ट होते हैं वो हमने नहीं लगाए हैं। तो ये देखिए फिलहाल इसमें थोड़ा सा काम रहता है, आपने इसका जो है ये देखिए इन एनिमेशन करना है। फिर उसके बाद जो है ना इस पर मैं लगाता हूँ ये वाला स्केल डाउन वाला, आपकी अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं जो आपकी मर्ज़ी हो। आउट एनिमेशन जो है वो मैंने स्केल अप जो है स्केल डाउन पे अप लगाया था, डाउन लगा दिया है। तो उसके बाद फिर दूसरे पे जो मैं इस तरह जो है ये लगा लेता हूँ, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो आप लगाना चाहते हैं वो लगा लें। इस पे मैंने आउट एनिमेशन भी लगा लिया है, ये देखिए जनाब अपनी मर्ज़ी से आप लगा सकते हैं, ये किस तरह से बड़ा प्यारा लग रहा है इस तरह से। फिर तीसरे पे भी ऐसे करना है आपने, ये देखिए जनाब ये अपनी मर्ज़ी से आप लगाएं जो आपको दिल करता है, आपको अच्छा लगता है। मैं ये लगा रहा हूँ स्केल अप डाउन। और फिर आपने जो है इस तरह से चारों जितने भी आपके पास जो फिक्रे हैं जो आपने लिखे हुए हैं इन सब पे ऐसे ही आपने लगा लेना है। मैं सब पे लगा लेता हूँ, ये देखिए जनाब ये मैंने लगा लिया है। ये देखिए आप देख लें कि आप किस तरह से मैं लगा रहा हूँ, आपने इस तरह से लगाना है। उसके बाद जो ये लग चुका है, आप इसको दोबारा प्ले करके देखते हैं, ये देखिए जनाब किस तरह से प्यारा खूबसूरत सा जो है ये प्ले हो रहा है, इस तरह से एनिमेशन आ रहे हैं, कितने प्यारे एनिमेशन आ रहे हैं। उसके बाद आप इसको प्ले करें और देखें। उसके बाद फिर आपने जो है नीचे जो आप अपना लिखना चाहते हैं कुछ भी कि एडिट किसने किया है, आपने किया किसी और ने किया है, वो आप लिखेंगे। मैं लिखता हूँ एडिट भाई अब्दुल्ला जान, और ये जो है ना आपने लिख लिया है मैंने। फिर इसको ओके करते हैं, इसको फॉन्ट चेंज कर लेते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपना फॉन्ट लगा सकते हैं। ये मैंने फॉन्ट चेंज कर दिया है और मुझे जो अच्छा लग रहा है, मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं इसको लगा लेता हूँ और इसको नीचे एडजस्ट कर लेता हूँ। आप इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, क्योंकि आपने मेरे जैसा बिल्कुल नहीं लिख रहा है, आप अपनी मर्ज़ी से कह रहे हैं। उसके बाद प्ले कर लेते हैं, ये देखिए जनाब ये मैंने प्ले कर लिया है और ये बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा नज़र आ रहा है। इस तरह से आप भी बना सकते हैं। इस तरह मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह जो है मज़ीद वीडियो देखते रहें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह के बाद।